है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की, बाकी ममालिक बकायदा गिड़ के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास। कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है? मेड इन पाकिस्तान कभी यूज किया मोबाइल फोन? मेड इन पाकिस्तान तो सुना ही नहीं है हमने कोई मेड इन पाकिस्तान हो। पाकिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो सारी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं। क्यों कुछ ही वक्तों में मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। नो नो आई डोंट थिंक दे वांट टू कम, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, जगह गिरी है, मतलब हैरेसिंग है, ट्रेड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और सबसे पहले वी डोंट हैव सोर्स ऑफ एनर्जी, वी डोंट हैव गैस, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। क्या करेंगे आके हम इस गरीब मुल्क में? एंड वी आर ऑल डिसऑनेस्ट नेशन एज ए होल आई एम टॉकिंग। वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम बट वी आर द वर्स्ट। बुशरा मुझे ये बताओ कि मेड इन पाकिस्तान मोबाइल कभी देखा आपने? कभी भी नहीं, हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई? यार पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हमारी है इतनी खराब, हम लोग जो अपनी सुइयां भी, हम लोग अगर कुछ बनाते भी है ना तो हमारा सारा बाहर जाता है, ठीक है, और वहाँ पे बकायदा उन्हीं सिटीज के जो है ना वो उन्हीं कंट्रीज के टैग बनाकर लगाए जाते हैं और वो उन्हीं के नाम से जो है आगे परचेज किए जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमारे अगर एक सुई भी जो है ना, हालांकि वो तो हमारे पुश्तों से चली आ रही है, लेकिन वो भी मेड इन पाकिस्तान के नाम से नाम नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान अभी बड़े चर्चे हैं दुनिया में, आज की एक बड़ी खबर आती है कि $50 बिलियन की उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में कर लिया। आपको भी पता कि चाइना जो है इस टाइम बूम की मार्केट है, चाइना के अंदर से भी ब्रांड्स उठ के इंडिया जा रहे हैं, क्या वजूहत है? वो इतने डेवलप कर रहे हैं, उनका एक बिजनेस बहुत ह्यूज बिजनेस इंडिया में है ना, इंडिया ने खुद को जरूरत बना ली है बाकी ममालिक की, बाकी ममालिक बकायदा गिड़ के भी जाने के लिए तैयार है उनके पास, लेकिन पाकिस्तान उसके मुकाबले में देख ले, पाकिस्तान कोई झूठे मुंह भी नहीं बुलाता, किसी लिस्ट में नहीं है। क्या वजूहत है भाई? हमें कोई मुंह नहीं लगाना चाहता, हमें लगाएंगे भी नहीं, वजूहत क्या पूछने हैं हम लोग यार, इतना तो पीछे हैं, एक ही टाइम में आजाद हुए हैं, लेकिन आज वो कहाँ है, हम कहाँ पे हैं? वो आसमान, वो चांद पे है, हम जमीन पे बैठे हुए हैं भाई, यही लेके कि भाई हमारे झंडे में चांद है। जमीन में भी हमारी हरकतें अच्छी हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या वजूहत है कि उनके एक्सपोर्ट बढ़ती जा रही है, इंपोर्ट खत्म होती जा रही है, हमारी इंपोर्ट बढ़ती जा रही है, एक्सपोर्ट खत्म होती जा रही है? मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने जरूरत बना ली है खुद को, कि बाकी सब सब मालिक की जरूरत है भाई, जब हर चीज तो वहां पे है भाई, मार्केट ही वो बनता जा रहा है और आने वाले वक्त में आप देखेंगे वो भाई सुपर पावर बनता जा रहा है, बनने वाला है, बल्कि बना पड़ा है। हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत है उनकी, हम लोग अगर चाहें तो हम लोग उनके मुकाबले में खड़ा हो ही नहीं सकते। हम क्यों पीछे हैं उनसे? दोस्ती का हाथ मिला लो ना, हम लोग मिला सकते हैं। आपको लगता है वो हमें झूठे मुंह भी बुलाएंगे? कभी भी नहीं बुलाएंगे। मोदी बड़ा अच्छा बंदा है, सबसे एहलान करता है। मोदी तो अच्छा बंदा है, लेकिन हम लोग एक होता है ना कि वो नहीं बुलाते, ना बुलाएं, ना करें कुछ, हमें खुद को मेहनत करें। अगर हम लोग अपनी सरजमीन में मेहनत कर लेना, हमारे सरजमीन में बहुत सारा कुछ है, हम लोग बहुत आगे जा सकते हैं अगर हम लोग काम करें तो। इंडिया को लगेगा कि भाई हाँ भाई ये कुछ कर रहा है, हमें हाथ मिलाना चाहिए। जब हम लोग बैठे ही खाली है, उसे पता वेल है कि मुझे क्या फायदा है इससे, क्योंकि आजकल आज के दौर में अगर कोई किसके साथ है तो वो भी इसीलिए है क्योंकि अगले से जो है ना फायदा हो तब भी साथ होते हैं, तो वैसे कोई भी साथ नहीं होता। क्या आपको लगता है कि इन फ्यूचर जिस तरह से इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया चाइना को बीट कर सकता है? क्योंकि चाइना की अभी बहुत सी, क्योंकि अभी तो सुपर पावर है चाइना, चाइना की बहुत सी इंडस्ट्री इंडिया में शिफ्ट होती जा रही है। यार अनकरीब मैं कहती हूँ, कुछ ही वक्तों में मुझे ये लग रहा है 2025 तक उसने इंडिया ने बीट कर जाना। मैं तो फुल सपोर्ट करती हूँ इंडिया को। अगर अमेरिका सुपर पावर हट जाता है तो हमारा क्या होगा? यार हमारा क्या होगा? नहीं आप ये देखे ना कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगी इंडिया को, चाइना है हमारी दोस्ती है, मैं उन्हें भी अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन इंडिया इंडिया कोशिश कर रहा है, जा रहा है, आगे तो जाना चाहिए, हमें चाइना से थोड़ा सा बाहर आना चाहिए, दूसरों पे नजर डालनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है यार, हम लोग जस्ट एक ही जगह पे जैसे बोलते हैं ना कि हमें एक ठिकाना मिल गया तो हम लोग बस उसी के जोगे होकर रह जाते हैं, हम लोग बाहर आस पास कहीं देखते नहीं कि भाई हमारी आमदनी थोड़ी और अच्छी हो, हम लोग जस्ट वो लोग हैं जो खा पी के बैठने वाले हैं, कमाते ही उतना जितना बस एक महीना हमारा पूरा हो जाए। इंडियन ज्यादा अच्छे हैं या पाकिस्तानी ज्यादा अच्छे हैं लोगों को? इंडियन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा किस लिहाज से? हर लिहाज से अच्छे हैं। मतलब कोई एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद हो पाकिस्तान में ना हो? वो लोग अपना टैलेंट जो है ना किसी भी तरीके से वो आगे लेके आते हैं, हम लोग अपने टैलेंट को दबाते हैं। हमारे में अगर कोई लड़की डांस करना सीख कहते हैं ना कि भाई मैं करना है माशा ऐसा, तो हमारे में कोई ये लड़की बोलती है ना कि मुझे डांस करना पसंद है, ना भाई तू तू गलत कर रही है, तेरे जितना कोई बुरा नहीं है, हम सारे के सारे उसका इतना जलील कर देते हैं ना कि वो लड़की आगे कुछ करने के काबिल नहीं रहती है। हमारी सोसाइटी में वैसे भी लड़कियों को वो तरजीह नहीं दी जाती, इंडिया में है ना? बोल बिल्कुल ऐसे ही है, इंडिया में देखे लड़कियां भी बराबर है, साथ खड़ी हैं लड़कों के, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहोगे उनके एक्सपोर्ट पे, उनके आज के इतनी बड़ी अचीवमेंट पे? उन्हें यार सलाम पेश करती हूं, मतलब सल्यूट। हां बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ज्यादा प्रोडक्ट्स किसकी हमारे मुल्क में? डेफिनेटली चाइना।
एवरीथिंग इज मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, व्हाई चाइना, व्हाई नॉट मेड इन पाकिस्तान? क्योंकि हमारा सरमायादार वो जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ड्यू टू अनस्टेबिलिटी ऑफ दिस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल सिचुएशन। क्या फॉरेनर आना चाहते हैं? नो नो, आई डोंट थिंक दे वांट टू कम, क्योंकि उनको कोई प्रोडक्शन ही नहीं है, जगह गिरी है, मतलब हेरेसिंग है, ट्रेड फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, और सबसे पहले वी डोंट हैव सोर्स ऑफ एनर्जी, वी डोंट हैव गैस, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी, क्या करेंगे आके हम इस गरीब मुल्क में? एंड वी आर ऑल डिसऑनेस्ट नेशन एज ए होल, आई एम टॉकिंग, वी आर मुस्लिम्स, वी आर मुस्लिम बट वी आर द वर्स्ट मुस्लिम। यस, आप सिर्फ कलमा गो हैं, दैट्स ऑल, बाकी मुझे नहीं कोई नजर आता कि आप किसी भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में देख लें। नो 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 सर, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, उसके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया सर, एक जैसा टाइम पीरियड था ना, हम तो कहते हैं कि इंडिया से हम बहुत अच्छे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, आज अगर हम देखें $50 बिलियन की उनकी, दे हैव स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उनकी फोर्सेस कभी इंटरप्शन नहीं करेंगी, उन वहां पे कभी मार्शल लॉ नहीं लगा, वी हैड बीन अंडर 30 इयर्स इन द आर्मी रिजीम, और मतलब हमारी तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट को आज तक सेट नहीं हो पाई, वी डोंट हैव दैट पाकिस्तान ऑफ कायदे आजम। आपने कहा वहाँ की पॉलिटिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, हाँ? लेकिन मोदी तो बड़ा बुरा है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं, तो 10 सालों से हम यही बताया जा रहा है मोदी तो बड़ा मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है, वो तो ऐसे है, वो तो दैट इज सेपरेट केस। आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात कर रही हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन दैट रैशनल इश्यूज। सर देखिए, तीसरी दफा वो आ गया है, अगर वो इतना जुल्म कर रहा होता तो तीसरी दफा उसकी आवाम लेके आई है ना उसे। आप ये देखें वो कौन सी फील्ड है जिसमें वो हमसे आगे नहीं है, हमारे हमारा रुपया तो आई थिंक सो उनका दो रुपए होंगे तो हमारे वो 10 रुपए हैं, मतलब ये हमने कुछ किया ही नहीं है, हमारे पॉलिटिशियन सिंसियर नहीं है हमारी, और जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, सम पीपल हु आर वेरी स्ट्रांग, उनकी अपनी वो जो प्रोडक्ट्स और उनकी इंडस्ट्रीज बहुत आगे है, लेकिन एज ए होल आप अपने PIA को देख लें, रेलवे को देख लें, दूसरी उसको देख लें, लीज पे रख दी हुई है, सारा मुल्क के लिए इस पे मेरा ख्याल हो जाएगा। सर हम बात करें अपने पॉलिटिशियंस की, हमारे इकदार में आने वाला पॉलिटिशियंस तो कहता है कि आते ही अगेंस्ट इंडिया नारा लगाता है, सर ऐसे नारों का क्या फायदा, इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं है, कारकर्दगी नहीं है, वो चांद पे पहुंच गए। मैम बहुत से फैक्टर हैं, आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि आई डोंट फील एनी प्रोटेक्शन टू स्पीक द ट्रुथ। हमने बनाया था, हम लाशें भी छोड़ के आए हैं, मेरे सारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं सबके रिलेटिव, मेरी अपने पूरी फैमिली वहाँ पे डिस्ट्रॉय हुई है, नोबडी इवन गेव देम कफन, देयर बॉडीज आर लाइंग ओपनली इन द स्ट्रीट्स। क्या सिर्फ मुसलमानों का कत्ल हुआ था, हिंदू सिख कोई और रिलीजन के नहीं थे? इधर क्या हुआ है दैट आई डोंट नो, लेकिन हम जो फेस करके आए हैं मैं उसकी बात करता हूँ। सर आखिर में मुझे बताइएगा, क्या जिस तरह से उनकी प्रोडक्शन बढ़ी है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी है, उनकी ग्रोथ बढ़ रही है, क्या वो चाइना को बीट कर सकते हैं? चाइना की कितनी ज्यादा इंडस्ट्री मिल गई है, उनकी एजुकेशन बहुत स्ट्रांग है, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है हमसे मच बेटर है, तो दुनिया में नजर आता है ना, CEO सारे उनके हैं। आई हैव बीन विद देम, आई हैव बीन वर्किंग विद देम सिंस लास्ट 30 इयर्स, आई फाउंड वेरी स्ट्रॉन्ग इन एजुकेशन, उनका जो सेट ऑफ लाइफ है एजुकेशनली दैट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। क्या पाकिस्तान का हो सकता है ऐसा? इट विल टेक टाइम, और इफ वी गेट सिंसियर पर्सन इन दिस, तब तक और आगे चले जाएंगे वो। हम तो अभी तक अपना हमारे जो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल उनका डिफरेंस देख लें, मतलब प्राइवेट स्कूल की जो अंधेर नगरी है गवर्नमेंट उसको पे नहीं कंट्रोल कर सकती तो अपना क्या करेगी, मतलब एक आदमी प्राइवेट स्कूल बना के माँ बाप को दोनों हाथों और दोनों पाँव से लूटता है, एंड गवर्नमेंट हालांकि रूल्स बनाए गए हैं, सेमी गवर्नमेंट कर दी है। आप देखें इन्हीं इन्हीं बड़े लोगों के स्कूल हैं, गरीब का थोड़ी है, सही बात है, इन्हीं के स्कूल हैं, और वहाँ पे एजुकेशन फ्री कर दिया उन्होंने लड़कियों के स्पेशली। देयर इज नो एचएसएन सिस्टम इन इस्लाम, आप लेके आए उनको सफ पे बिठाएं, आप बिठाएं उनको सफ पे और दें एजुकेशन उनको, आप दें इस्लामिक स्टडीज की, इवन इफ यू आस्क द नाउ डेज यंगस्टर
कि आप इस्लाम पे क्वेश्चनिंग करें, हार्डली 1-4% पीपल विल आंसर यू. हमले कलमे भी नहीं आते ना. नहीं आते. हाँ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग. मोबाइल फोन आप यूज करते हो, मेड इन पाकिस्तान कभी यूज किया मोबाइल फोन? मेड इन पाकिस्तान तो सुना ही नहीं है हमने कोई मेड इन पाकिस्तान हो. पाकिस्तान में जो सारी चीजें हैं वो सारी बेच रहे हैं, पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, तो ये मोबाइल क्या बनाएंगे पाकिस्तान में. अगर हम बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान $50 बिलियन मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन के क्रॉस कर गया है, वो एक्सपोर्ट करेगा. क्या वजूहत है उन्होंने मोबाइल फोन में ही इतना बड़ा बिजनेस बना लिया है? क्या क्या वजूहत है, क्या ऐसी चीज है? उनकी पॉलिसीज ठीक है, उनमें कोई करप्शन नहीं है. पाकिस्तान में तो आपको पता है यहाँ पे इतनी करप्शन है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे करप्ट टोले बैठे हुए हैं जो मुल्क को खा रहे हैं. बेचारे गरीबों के लिए रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, कपड़ा मकान नहीं है, तो ये क्या मोबाइल बनाएंगे? गवर्नमेंट हमसे अच्छी हुई ना? बहुत अच्छा है, उनका सिस्टम सारा अच्छा है, वो हमसे ज्यादा तरक्की में जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अगर हम बात करें, उनके एक्सपोर्ट इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उनको इंपोर्ट करने की जरूरत है. सुई से जहाज तक वो अपना बना रहे हैं, उनकी एक ब्रांड रतन टाटा वही सुई से जहाज तक बना रहे हैं. इवन चाइना को कम्पीट करें, चाइना के जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स है वो इंडिया में चले गए, चाइना को छोड़ते जा रहे हैं. क्यों? चाइना में क्या है? इंडिया में ये है कि चाइना फिर जरा हमारे पाकिस्तान की साइड लेता है ना, तो इंडिया जो है अमेरिका की साइड लेता है, वो हिंदुस्तान जो है चाइना हमारा दोस्त ममालिक है, हम उसकी साइड लेते हैं. इंडिया अमेरिका की साइड लेता है या अमेरिका इंडिया की साइड लेता है? अमेरिका इंडिया की साइड लेता है और इंडिया भी अमेरिका की साइड लेता है, सेम ही सिचुएशन है. इंडिया जो है इस टाइम कहता है कि हम आजाद पॉलिसी रखते हैं, हम किसी के साथ नहीं है, कोई हमारे साथ नहीं है, हम जो करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए करेंगे. तो क्या वो बंदा सही कर रहा है कि भाई दुनिया को नहीं अपने मुल्क को देख? नहीं, अपने मुल्क की रिप्रेजेंटेशन तो कर रहा है ना बंदा. वो ये तो देखे ना आप, हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर हैं या आप देख लें सीएम साहब हैं, जो भी है, मतलब पॉलिटिकल आपको कह दूं, ये हमारी प्रेजेंटेशन करते ही नहीं है, वहाँ पे पीछे पीछे खड़े होते हैं. हम तो कहते हैं एक बंदा था इमरान खान जो आगे आगे था. हम तो कहते हैं हम इंडिया से बहुत अफजल है, अच्छे हैं, हम आगे निकलेंगे, हम तरक्की कर सकते हैं. जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते. हम इंडिया जैसे बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं. अच्छा, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारे मसाइल चाहिए होंगे. इंडिया की एक्सपोर्ट इस टाइम दुनिया में छा रही है, क्या उनके अंदर वो इतिहाद, वो इत्तेफाक या वो कौमियत है जो हमारे में शायद नहीं है? हमारे में, हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, सीधी सी बात है. हमें जो गैर मुस्लिम के अंदर है, हमारे अंदर नहीं है वो चीज, अमानतदारी नहीं है. जज्बा है, टैलेंटेड भी है, लेकिन हमारे ऊपर जो बैठे हुए वो हमें नहीं जाने दे रहे आगे. जज्बे को क्या करोगे जब आपकी कारकर्दगी कुछ नहीं है? जहरी बात है, हम जज्बे को फिर क्या करेंगे? जज्बा फिर हमारा नील ही है, हम कुछ नहीं कर सकते ना उसका. फिर हमारे साथ, तो हमारा साथ वाला मुल्क जो है इंडिया, हम उसकी अगर बात करें तो आज उन्होंने $50 बिलियन क्रॉस कर गई है मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल की, अब एक्सपोर्ट करेंगे. सर क्या वजूहत है उनका मेड इन इंडिया, सुई से जहाज तक है, मोबाइल फोन का इतना बड़ा बिजनेस उन्होंने बना लिया है, सर क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि उनकी जो गवर्नमेंट है वो उनके जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट. व्लादिमीर पुतिन की, उनका कहना है कि मैं शुक्रगुजार और सल्यूट पेश करता हूं पीएम मोदी को, जो कि हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको और उन जैसी पॉलिसीज, उन जैसी फ्रेंडशिप कोई नहीं निभा सकता जिस तरह से उन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया है और जिस तरह से उन्होंने हमारे लिए स्टैंड लिया है. क्या वो सही कह रहे हैं? रशिया का साथ तो उनका एफिलिएशन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि वो वहाँ से ऑयल ले रहे हैं, तो उन्होंने उनको सपोर्ट तो करना है. इसराइल को वो सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो अगेंस्ट मुस्लिम है, तो वो तो डेफिनेटली वो उस चीज़ को वो करेंगे. और पर अलमिया ये है कि हमारे जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको बेसिकली यूनाइट होना पड़ेगा. और ये तो अजल से है कि यहूदियों के साथ आपका और मुसलमानों के साथ जो सलूक उनका रहा है फलस्तीन में ख़ास तौर पर, तो वो तो नाकाबले बर्दाश्त है. सर फलस्तीन के लिए स्टेटमेंट भी दी पीएम मोदी ने और उसके अलावा उनको हेल्प आउट के लिए अमदाद भी भेजी, एक बहुत ज़्यादा मेडिसन्स वगैरह चीज़ें जो ज़रूरत की होती है वो भी भेजी, फिर इस पर क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, ये जो भी इस चीज़ को करेगा हम उसको अच्छा मानेंगे, पर बात यह है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है वो भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए. बात यह है कि ये अगर इकदाम उसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उठाया है और वो हेल्प आउट कर रहा है तो इट्स वेल एंड गुड. सर देखा जाए तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनकी पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं और उनकी फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छी है, मतलब जिस तरह से वो निभा रहे हैं. इवन हम देखें तो बांग्लादेश के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बना चुके हुए हैं, उसके अलावा बांग्लादेश को भी अपने बजट में से उन्होंने हिस्सा दिया. अफगानिस्तान ने कट्टर मुसलमान है लेकिन उनकी दोस्ती हिंदुस्तान से बहुत अच्छी नजर आती है. क्या पॉलिसीज है सर कि दुनिया जो है उनके साथ फ्रेंडशिप करना चाहती है और वो बड़े बखूबी निभा भी रहे हैं?
देखें, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, ठीक है, और इस टाइम वो चाइना को कम्पीट कर रही है, तो दुनिया की नज़र उन पे है, बड़ा बिजनेस है, ठीक है। तो ये तो एक बहुत बड़ी वजह है, ये वही इंडिया है ना, तो पहले क्यों कोई कंट्रीज इसको सपोर्ट नहीं करता था, इसकी पॉलिसीज को सपोर्ट नहीं करता था उनकी, तो बाकी ये तो अगर आप देखा जाए कि मोदी की तो जो पहले जो पॉलिसीज आई थी वो तो एंटी रिलीजन थी, वो तो खाली मुस्लिम्स को नहीं, सिख को भी और क्रिश्चियंस को भी कहते थे कि ये हमारे मुल्क से निकल जाएं। तो उस बारे में किसी भी कंट्री ने इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजनेस है उनके साथ वर्ल्ड में। आप देखें तो इस टाइम इंडिया जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा अच्छा बिजनेस दे रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी वजह एक ये है कि तब की पॉलिसीज जो उसने रिलीजन्स के ख़िलाफ़ की थी, तब कोई भी नहीं बोला था, किसी भी कंट्री ने कुछ नहीं बोला था, इवन हमारे इस्लामिक कंट्रीज ने भी कुछ नहीं बोला था। तो अब वो क्योंकि वो इस पोजीशन में है कि वो डिटेक्ट करवा सकता है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस डिटेक्ट करवा सकता है, तो इसलिए वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, क्या उस बंदे की सच में पॉलिसीज मच बेटर देन पाकिस्तान पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं? डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि हम तो अभी तक देखा जाए तो हमारे पाकिस्तान में तो अनसर्टेनिटी है कि हमें तो पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में हमारे साथ होना क्या है, किसने आके हमारे सर पे बैठना है, किसने हुकूमत करनी है, किसने नहीं करनी है। और आजकल जो हमारे मुल्क में इंसाफ का हाल है वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है और नाकाबिले यकीन है। इंसाफ पे भी हों, आप हक पे भी हों, आपको इंसाफ मिलते हुए एक इतना टाइम लग जाएगा कि उसका फायदा ही कोई नहीं होगा। जस्टिस की जो रैंकिंग लिस्ट निकलती है उसमें इंडिया टॉप पे है। जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ पर हम लास्ट में हैं। जी बिल्कुल, आप हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का आप दौर देख लो कि इंसाफ क्या था। तो हम तो उधर से ही है ना, हम तो मुसलमान वहीं से हैं ना। बिल्कुल ऐसे हैं। आखिरी फ्यूचर क्या देख रहे हैं पाकिस्तान का? वेरी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि इंसाफ है नहीं। इसकी मोदी की? मोदी की नहीं, वो मुस्लिम मुहालिफ उसकी पॉलिसी ज्यादा था, उसको ऐसे ही है, मुस्लिम के भाव में कुछ भी करता वो नेगेटिव ही है वो। तो क्या वजह है कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा मैं उन्हें सैल्यूट पेश करता हूं? उनके अपने उनके अच्छे ताल्लुकात आपस में है, वो आपस में उनके ट्रेड भी ज्यादा करते हैं आपस में, वो इसलिए उनको वो कर रहा है। सर, अगर हम दुबई की बात करें, दुबई के शेख भी उन्हें बड़ा पसंद करते हैं, सऊदी के एमबीएस भी बड़ा पसंद करते हैं, इवन के उनके जो है मिडिल ईस्ट के उनके साथ अभी दुबई के मुंबई तक अंडर वाटर ट्रेन भी चल रही है, तो उसमें को फायदा होगा ना, वो उनसे पानी लेंगे, फ्रेश वाटर लेंगे, उधर से उनको ऑयल देंगे, इनको आपस में फायदा उनको आपस में मिल रहा है, इसमें हमारा पाकिस्तानियों का या मुसलमानों का कोई फायदा नहीं है। सर, पाकिस्तान अगर चाहे ट्रेड करे तो हमारा भी फायदा है ना? ट्रेड करे लेकिन वो चाइना के साथ करे ना, इनके साथ करने का फायदा कोई नहीं है। क्योंकि बेसिकली मुस्लिम है, इनको नेगेटिव हमने उन्होंने कंसीडर करना। दुबई कंट्री भी, इजिप्ट भी है, ईरान भी है, इराक भी है, टर्की भी है, फिर सऊदी भी है, सारे मुस्लिम है, लेकिन उनकी पॉलिसीज ना उनके साथ मैच करती है, हमारे पाकिस्तान के साथ मैच नहीं करती। हमारा जो इम्प्रेशन है ना बाकी मुल्कों में वो इतना पॉजिटिव नहीं है। सर, फिर हामी तो हम में हुई ना? वो तो है लेकिन वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन काम हमारे रिप्रेजेंटेटिव का जो अपने मतलब के लिए काम करके खुद साइड पे हो जाते हैं, बाकी वहाँ को आगे कर देते हैं तो फिर काम वो नहीं सही रहता। सर, अभी देखें ना, चाइना को इटली ने कहा है कि हम आपके साथ प्रोजेक्ट खत्म करके इंडिया के साथ जाएंगे। दुनिया जो है चाइना की चीजों को जो इन्वेस्टमेंट थी वो हटा के इंडिया की तरफ जा रहा है। चाइना का भी फ्यूचर हमें मतलब खतरे में भी नजर आ सकता है। हम कह रहे हैं चाइना चाइना चाइना, हमें दूसरों के साथ भी तो अच्छे ताल्लुकात बना लेने चाहिए। हाँ, मैं इससे इत्तेफाक करूंगा, लेकिन जो चीज चाइना हमें जो प्रॉफिट मार्जिन देता है ना वो बाकी कंट्रीज नहीं देती। सर, आपको नहीं लगता चाइना से ज्यादा इंडिया हमारे बॉर्डर के करीब है, ज्यादा सस्ता आएगा सब कुछ? बिल्कुल आएगा, लेकिन ये हमारे शुरू से चलता आ रहा है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है। सर, हमने माना है ना, हम ना माने तो वो नहीं होगा, लेकिन जो हमारी जो आवाम है ना वो एक दूसरे से मिलना चाहती है, वो ट्रेड करना चाहती है, लेकिन किसी कोई ना कोई पॉलिसी में वो अप डाउन कर देते हैं तो फिर बंदा पीछे हट जाता है। सर, देखिए ना, आपने कहा हम चाहते हैं तो हमें कहना पड़ेगा ना, हमें कहना पड़ेगा। दोनों तरफ की राम चाहती है कि हम आपस में ट्रेड करें, लेकिन ये पॉलिसी ऐसी बना देती है कि जिनमें इनको कमीशन मिलता है ये उस तरफ चले जाते हैं। सर, आज आपको कहना पड़ेगा ना, हमें हिंदुस्तान से हिलाक करना है, हमें उनसे ट्रेड करनी है, हमें उनसे अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं। हाँ, मुजाकरात होने चाहिए, बाकी काम तो बात किया, पहले हम कम्युनिकेशन अपनी क्लियर करें ना अपनी, उसके बाद जो भी लाइफ में बनाएंगे उसके बाद ही होगा।
अच्छा, एक जाते जाते आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। जिस तरह से उन्होंने कहा है कि पॉलिसीज अच्छी है, अगर हम मुस्लिम हिंदू क्रिश्चियन ये मजहब से बाहर आके देखें इकोनॉमिक वॉर पे, तो क्या उनकी पॉलिसीज पाकिस्तान से बेहतर है? हाँ जी, बेहतर है। एग्जैक्टली वो सही कह रहे हैं। आज से पहले जो जितने भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स गुजरे हैं, उनका बयान ये होता था कि 90% इंडियन प्राइम मिनिस्टर इसराइल का साथ देते थे। ये काफी चेंज फील हुआ है, पाकिस्तानी होने के नाते भी मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगा कि उन्होंने वाकई सही बात की है। जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने वाकई दोनों कंट्रीज को बहुत ही प्रायोरिटी उन्होंने सपोर्ट की है। इससे पहले जितने भी लोग थे उन्होंने सिर्फ इसराइल को सपोर्ट किया है। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे हैरत भी होती इस बात पे कि यार इंडियन किस तरह से उन्होंने चेंज आपको लेके आए। लेकिन अच्छी बात है, ये बात सही है। जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर पे रशिया का भी साथ दिया, यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को भी निकाला, और अगर आप सपोज करो अगर पाकिस्तान होता तो कभी भी, जैसे अब फलस्तीन भी तो है ना, हम चाहते तो फलस्तीन के लिए भी करते, लेकिन जिस तरह से रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से अपने स्टूडेंट्स को निकाला, कोई छोटी बात थी? नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत मुश्किल बात थी उन लोगों के लिए, लेकिन उन्होंने अपना कंट्री को अपने आप को प्रूव करने के किया कि भाई हमारे अपने लोगों को हमने सेव करना है। उसमें पाकिस्तानी भी थे बच्चे? बिल्कुल उन्होंने किया, लेकिन इंडियन ने अपने कंट्री को बहुत अपना सपोर्ट किया और उन्होंने स्टूडेंट्स को बहुत इम्प्रूव किया है, तो ये बहुत अच्छी चीज थी। क्या समझते हो, क्या मेडिसिन के शोबे से हो, मेडिसिन की अगर हम बात करें इस टाइम दुनिया जो में जो छाया हुआ मुल्क है वो कौन है मेडिसिन में? इसमें भी सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और यूक्रेन, इसमें ना यूरोप आ जाता है, जिसके अंदर इनकी बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, जिसके अंदर हमारी गेट्स फार्मा आ जाती है, एबर फार्मा आ जाती है, ये ब्रांड लीड जा रही है पाकिस्तान। अगर हम बात करें हिंदुस्तान की, तो इस टाइम अपने मुमालिक अपने मुल्क के अंदर वो ऑलमोस्ट फ्री मेडिसिन दे रहे हैं, कितना बड़ा काम है। पीएम मोदी का एक स्लोगन है जो कि अभी उन्होंने थर्ड टर्म को यूज किया, एक फैमिली वन फैमिली वन अर्थ, कैसा स्लोगन है, एक मतलब पूरी दुनिया को एक फैमिली बनाना है। बिल्कुल उन्होंने काफी चेंज फील किया, ये पाकिस्तान में भी आना चाहिए, मगर इंशाल्लाह इन द फ्यूचर विद इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का तो मुझे आइडिया है कि विद इन 5 to 7 इयर्स ये चीज पाकिस्तान में भी आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान का कुछ अभी नजर नहीं आ रहा ना मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, पाकिस्तान में काफी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑलरेडी लग चुके हुए हैं, जिसमें हमारे मेन मेड इन पाकिस्तान, इसके अंदर जो सबसे जो ब्रांड जो जा रहा है ना वो गेट्स फार्मा है, जो मेड इन पाकिस्तान को इतना प्रमोट कर चुकी है कि आज फॉरनर कंपनीज को छोड़ के पाकिस्तान की नंबर वन कंपनी गेट्स फार्मा जा रही है। अच्छा, क्या आपको समझते हो कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ बॉर्डर में अच्छे रिलेशन होने चाहिए? जिस तरह से आज पीएम मोदी ने दुनिया के लिए बड़ा कुछ किया है, भाई मुस्लिम कंट्रीज के लिए भी बड़ा कुछ किया है, क्या पाकिस्तान के हेल्प आउट करेगा वो बंदा, और किस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है? ये तो डिपेंड करता है हमारे ऊपर उनके ऊपर कि वो हम लोग आपस में किस तरह बैठ के राउंड टेबल के ऊपर बैठ के बात करें। ये डिपेंड करता है कि अगर जितनी पॉजिटिव बात होगी उतना हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। आपको लगता है कि हमने बढ़ावा दिया कि भाई आओ हमसे दोस्ती करो? जी बिल्कुल दिया। कब? 2020 में जब इमरान खान साहब ने बात की थी, ट्रेड बंद की थी। ट्रेड बंद करने से पहले उन्होंने बात की थी, लेकिन इसमें जब इंडिया ने जब एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के ऊपर, उसके बाद ये काफी हद तक इनके ताल्लुक आपस में खराब हुए थे। क्या समझते हो कि कौन सा लीडर है जो टक्कर दे सकता है मोदी को हमारा? डेफिनेटली इमरान खान, लेकिन अब वो नहीं है ना, उनको आना पड़ेगा, तो हम लोग हैं उनके लिए। बिल्कुल सही। अच्छा, पीएम मोदी के लिए कुछ कहोगे उनकी पॉलिसीज पे, या उनके हवाले से कोई हमारे देखने वालों को पैगाम दोगे? जी जी जरूर, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपनी आवाम को सहूलत दी है ना, जैसे उनको अपने सपोर्ट किया हुआ है, यकीन माने कि देख के खुशी भी होती है उनके लिए कि जिस तरह उन्होंने वहाँ पे जो एक्सपेंस वहाँ पे अपने कर रहे हैं, जिस तरह आवाम के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं, खुशी होती है देख के। सही बात है, उधर की आवाम हमसे ज्यादा सहूलियत में है ना। एग्जैक्टली, ये हम कह सकते हैं। और मुसलमानों को हम कहते हैं रोड़ो के, चीख चीख के मुसलमान, तंगी में भाई, उनको हमसे ज्यादा सहूलियत मिल रही है। एग्जैक्टली, कश्मीरियों को मिल रही है। कश्मीर को तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो पर्सनल सिटीजन है ना, उनको तो जो सहूलियत मिल रही है। श्रीनगर में क्या हो रहा है? श्रीनगर को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और श्रीनगर किसके है? इंडिया में, इंडिया का स्मार्ट सिटी, अरब की जितनी इन्वेस्टमेंट है ऑलमोस्ट कश्मीर में जा रही है, सऊदी और दुबई की जा रही है। बिल्कुल, श्रीनगर शहर का नाम तो सुना हुआ है, लेकिन उसकी इतनी डिटेल्स आइडिया नहीं है। स्मार्ट सिटी कहा जाता है, और आज बहुत बहुत चर्चे हैं दुनिया में उसके, और बहुत खूबसूरत बना दिया।